नमस्कार दोस्त। जैसा कि आपको कल एक जजमेंट सी लगाकर बताया गया था कि 20,763 से लेकर 21,000 तक का एरिया, और यही एरिया मैंने सुबह कमेंट्री में भी मेंशन किया था कि इस एरिया से सपोर्ट लेनी चाहिए। बिल्कुल उसी एरिया के अपर जोन से निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और कल एक चीज़ मैंने और बताई थी कि एकदम से नहीं कूदना, पहले देखो कि क्या हो रहा है, फिर सपोर्ट ले धीरे धीरे, फिर आप उसमें एंटर हो ना। तो वही हुआ, धीरे 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 करके इसने सपोर्ट ली, और यहाँ पर तो उसने एक फ्लैग सा भी बनाया, फ्लैग बना के फिर ब्रेकआउट दिया, तो मार्केट ने एक अच्छा सा साइन दे दिया। अगर आपने यहाँ पर भी एंटर कर लिया फ्लैग बनाने के बाद ब्रेकआउट, तो वो भी एक अच्छा लेवल था। और उसके बाद 21,283 जो एग्जैक्ट लेवल लिखा हुआ था वही हिट हुआ। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम आए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जहां बिग स्पोर्ट लिखी थी 47,000 का एरिया, 46,922 एग्जैक्टली, देखिए 46,922 ही हिट हुआ। और उसके बाद शानदार रैली देखने को मिली, और ये रैली 47,970 के आसपास जाकर रुकी। एक शानदार रैली हमें इसमें एंजॉय करने को मिली। उसके बाद अगर हम आए फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी में आप देखेंगे कि जो ब्रेकडाउन 21,050 के नीचे कहा था वो 21,000 हिट हुआ, पर उसके बाद वापस मार्केट ने रिवर्स लिया। और ये चीज़ मैंने बार बार समझाई थी कि आपने थोड़ा सा पहले वेट करना है, फिर मार्केट में आना है। फिर बहुत बढ़िया, फिर से वापस मार्केट 21,065 के ऊपर आई जो ब्रेकडाउन लेवल था। और उसके बाद फिर इसने भी फ्लैग बनाया, फ्लैग बना के ब्रेकआउट दिया, और धीरे धीरे करके इसने मोमेंटम गेन किया। तो ये काफ़ी अच्छा, अगर किसी ने लेट भी एंटर किया तो उसमें भी कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अपना लॉस सेव करना चाहिए कि लॉस ना हो, प्रॉफिट बाद की बात होती है। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना कि मुझे लॉस ना हो, बस लॉस ना हो ये सोचते रहोगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो जितना आप शांति से एंटर हो जाओगे, ये कल मैंने कल की वीडियो में भी समझाया था कि पेशेंस रख के फिर एंटर होना है इस तरह की मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट गिरी थी वो बिना वजह के गिरी थी। मैंने कल ही ये बता दिया था आपको, कोई वजह नहीं। हालांकि अखबारों में सब जगह ये लिखा हुआ था, टेलीविजन चैनलों पे भी यही चल रहा था, ये कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। वो अब बात ये अब नहीं रही। पहले ये था कि गवर्नमेंट के पास तैयारियां नहीं थी, नई चीज़ आई थी, इसको डील कैसे करना ये भी पता नहीं था। अब तो सब कुछ पता है, अब तो डॉक्टरों को भी पता है हमने कैसे इलाज करना है, अब हर चीज़ का पता है, एम्बुलेंस वगैरह पीपी किट सब आ गई हैं, पहले वो भी नहीं थी, अब खुद इंडिया बनाता है। तो अब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बेकार सा कारण था कि कोविड आ गया, कोविड ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी। और नीचे से फिर से एक अच्छी बाइंग हुई है मेरे हिसाब से। फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी चालाक निकले, उन्होंने पहले मार्केट को गिराया, फिर उसे कल ही खरीदा, और जो एफआई का डाटा भी दिखा रहा था वो डीआईस ने ज़्यादा फायदा उठाया उस गिरावट का, और ज़बरदस्त बाइंग आज देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि एफआईज भी काफ़ी अच्छी बाइंग करके गए हैं। एक तरह से मार्केट को जानबूझकर गिराया गया ताकि हम सस्ते रेट पे उसे फिर से बाय कर सके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी में भी यहाँ कहा था 20 EMA सबसे अच्छी जगह होती है, ये तो आंख बंद करके बोला जाता है कि 20 EMA पे, तो ये मैंने कल कहा भी था कि 20 EMA आए तो आंख बंद करके बाय करो। तो वो एक ज़बरदस्त रैली मिली, और इसके नीचे सिर्फ 5-5 मिनट की 3 कैंडल का स्टॉप लॉस हमेशा रखा करो जब भी 20 EMA आए। तो उसके बाद हमें शानदार रैली 10,185 एग्जैक्ट वही लेवल मिला जो लिखा हुआ था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जो क्लिक कीजिए, क्योंकि वीडियो के साथ जब वहाँ की जो कमेंट्री पढ़ के फिर जो निचोड़ निकलता है, फिर वो उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके अलावा नीचे डीमैट अकाउंट के जो लिंक दिए हैं वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को इंजॉय कीजिए। तो अब हम बात करते हैं डाटा की। देखिए कल भी मैंने बोला था डाटा सारा ठीक है, तो डाटा अब और ज़्यादा ठीक हो गया, क्योंकि क्रूड भी अब नीचे आना शुरू हो गया। कल क्रूड थोड़ा सा 80 पे था, सुबह सुबह तो 79 पे ही आ गया था, सुबह ही डाटा काफ़ी अच्छा था और 101 पे आ गया। बॉन्ड यील्ड और गिर गई है, वो 3.8 पे आ गई। जितनी 3.5 के पास आती चली जाएगी, मार्केट को बढ़ना चाहिए, मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। डाटा सारा चीख चीख के कह रहा है कि ये बुलिश पैटर्न बनना चाहिए। तो डाओ में भी अब नीचे के लेवल से
रिकवरी आई है और नैसडैक भी जंप खाया है, और नेचुरली हमारी निफ्टी फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। निफ्टी फ्यूचर 21,379 पे क्लोज हुआ है। तो इस टाइम गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी है 356, मतलब इस टाइम 13 पॉइंट माइनस है। क्यों माइनस है? उसका कारण ये है कि इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 37,417। बड़ी मुश्किल से मार्केट इसके ऊपर आई थी, और यहीं से बीच में हमारे इंडिया की प्रॉफिट बुकिंग की नकल इन्होंने भी कर ली, और इन्होंने भी ये भी नीचे आ गए, इनमें भी बाइंग आई, पर ये 37,470 रेजिस्टेंस आ गया। ये टेक्निकल रीज़न से ये थोड़ा नीचे आ रही है, वही कारण है कि टेक्निकल रीज़न से गिफ्ट निफ्टी भी 10-13 पॉइंट नीचे आ रही है। ये सिर्फ टेक्निकल कारण है, इसका कोई खबर नहीं है कोई, हाँ जी ये हो गया वहाँ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बस एक ड्रामा चल रहा है FIs की तरफ से। बड़े बड़े जो फंड हाउसेज है वो चाहते हैं कि हम नीचे पे बाइंग करें, और जो उन्होंने जो चाहते थे वो उन्होंने किया, हालांकि वो और भी चाहते होंगे और भी ज़्यादा गिरे, पर जो हमारा रिटेलर है या ये ला लो DI का डाटा दे के FIs थोड़े घबरा गए होंगे कि ये तो अभी से खरीदना शुरू हो गए तो हम भी बाई कर लेते हैं। तो DIs ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई, जो कल हुआ था DIs ने उसका सारा जुलूस निकाल दिया अच्छी तरह से। जो FIs ने सेलिंग लेकर आए थे, DIs ने अच्छी तरह से बाइंग करके लोगों को दिखा दिया कि ये लो हम अच्छी तरह से बाइंग कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वही दोबारा से फिर वही लेवल बन गए हैं जो गिरावट से पहले के थे। 47,500 पे सपोर्ट आ गई है और 48,000 पे वापस कॉल राइटिंग आ गया। अब इस बार देखो कितना चेंज आया है, इस बार पुट राइटर पहले से ही आ गया, मतलब मार्केट अब पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना कि कफ कॉलर सब ऊपर कर लिए कि कोई ना अब आओ, अब गिरावट आएगी हम खरीदेंगे। अब रिटेलर को भी समझ आ गई है, तो अब मार्केट हो सकता है गुस्से में काफ़ी तेज निकल जाए। तो चलिए आगे निकलते हैं, अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो वही सेम चीज़ नोट रखो, 46,935, 46,922, ये एक बड़ी सपोर्ट है ठीक, और यहाँ तक कोई डिप आता है बाय करना चाहिए। और 47,178 अगर फिर से टूटता है तो यहाँ से ब्रेक डाउन भी प्ले कर सकते हैं। उसके बाद नीचे 47,500 पर अच्छी सपोर्ट आ चुकी है, और 10 MA आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने चाहिए 47,750 और 47,950। अब फ्रेश ब्रेकआउट जो आएगा वो 47,950 के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है, और इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे 48,191। ये मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ 191, ये वही लेवल है जो पूरे झगड़े की जड़ है, ये वही है जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फील किया है, एक दो बार रेजिस्टेंस फील कर चुकी है। तो अलर्ट रहना इस लेवल के आसपास, यहाँ पे अपना एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। फिर 48,300 ये थोड़ा सा ठीक कर लो, ये मैंने लाइन गलत लगा दी है। 48,300 के ऊपर फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट आने की उम्मीद रहेगी, और फिर जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे 48,575 का होगा, जो कि एक फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कुल मिला के ये सारा सब सिस्टम है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना, क्योंकि 48,000 थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब यहाँ से ब्रेकआउट आप प्ले करो तो 48,000 को भी थोड़ा सा क्रॉस होने देना। ये नहीं कि 47,950 क्रॉस हुआ, 47,950 के ऊपर इसलिए लिखा गया है कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। जैसे ही 48,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होती नजर आई तो 47,950 का स्टॉप लॉस रख के आप एक छोटा सा ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं 100-200 पॉइंट का। तो ये था सारा सिस्टम। अब आते हैं हम निफ्टी पे कि निफ्टी का क्या सिस्टम चल रहा है ऑप्शन चेन में। निफ्टी में अगर हम देखें तो 21,000 पर जबरदस्त पुट राइटिंग, मतलब 21,000 का डिप बाय करने वाला होगा और 21,500 पे फिर से कॉल राइटर, मतलब पहले वाली पोजीशन ही आ गई है, परसों वाली जो पहले खेल चल रहा था बिल्कुल वही मैदान फिर से तैयार हो गया है। अब आते हैं हम आगे, अब आते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी में वही फिर से वही चीज़ दोहराऊंगा
20,000 यही 867, 20,000 980 ये लेवल, मतलब 21,000 को भी इसके बीच में रखो। यहाँ पे एक अच्छी स्पोर्ट है, आपने देख ही लिया, पुट राइटिंग भी अच्छी है, तो ये सारा स्पोर्ट जोन है, ठीक। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 21,054, 131, 173, 239। 21,300 पे छोटा सा ब्रेकआउट आने की उम्मीद है, और वो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे 21,366, 478 और 21,513। जैसे ही ये 21,478 भी आए ना, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, थोड़ा सेफ रहो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक रेजिस्टेंस ही है 500 से 600 का, ये 90 पॉइंट का ये एरिया ना फिर से थोड़ा डराएगा लोगों को, और फिर ब्रेकआउट आएगा 21,600 के ऊपर ही, और फिर जो मैं कह रहा था 21,700 फिर जाकर वो हिट होगा। तो ये है सारा सिस्टम निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सारा प्राइस एक्शन आपको समझा दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।